हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं, क्रिप्टो से रिलेटेड नए नए वीडियोज हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कर ले आए हैं एक नए वीडियो, एक नए कॉइन का। कॉइन वैसे नया नहीं है, कॉइन का पुराना है, जितना भी पुराना नहीं है, बट इसका प्रॉफिट जो जाने वाला काफ़ी अच्छा जाने वाला है। कंटिन्यूस मार्केट भी हम करते हुए आ रहे थे। तो इस कॉइन का नाम है रेड पांडा अर्थ। ये बेसिकली जो कॉइन है, चैरिटी रिवॉल्यूशन बेस्ड कॉइन है। तो डेफिनेटली बात है कि इट्स वर्क ऑन द चैरिटी बेस्ड सिस्टम्स। तो देरी ना करते हुए हम जानेंगे इस कॉइन के बहुत सारी खूबियाँ कि क्या है ये कॉइन, कहाँ से परचेज किया जा सकता है। अभी हम बने हुए हैं इसके वेबसाइट पर। हमने इसका ऑफिशियल वेबसाइट खोला हुआ है, जिस पर सारी इन्फॉर्मेशन रेड पांडा अर्थ की आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पर। तो ये सारे इसके एक एक करके आप भी इसके वेबसाइट को विज़िट करके पढ़ सकते हैं। हम सारी इन्फॉर्मेशन इसकी साइट पे अपलोड कर देंगे इसकी अपने ही यूट्यूब चैनल के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक चीज़ हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से इनके स्वैप्स इन पे काम करने वाले हैं। यूनिसैप, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन चेक, DXT, LA टोकन्स, ये सारे स्वैप के अलावा मैं टोकन में भी बात कर लेता हूँ। तो ये सारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा इनका रिस्पॉन्स देखने को मिला है। जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये एनिमल चैरिटी बेस्ड टोकन है, यानी कि ये काम करता है एनिमल के वेलफेयर पर। जो भी इसका प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंट ये उसमें चैरिटी में देता है, बाकी आपको प्रॉफिट के रूप में आपको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपको देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात कर लें इसके टोटल सप्लाई की, तो ये है 1 क्वाटिलियन, जो बहुत ज़्यादा होता है, और अभी जो मार्केट कैप है 6.6 मिलियन, जो भी बहुत कम है। टोटल इसके जो होल्डर्स हैं वो है 34,363। इनकी दोस्तों होल्डर्स भी बहुत कम है। इनकी कॉइन अभी नया है, अगर आप इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे, क्योंकि इसका जो मार्जिन है कंटिन्यू बढ़ रहा है। अभी वीडियो बनाते समय ये 6.6 था, और वीडियो बनाने के एंड तक मुझे देखने को ये मिला है दोस्तों 10 मिलियन से ज़्यादा इसका अभी जा चुका है। तो सोचने की बात ये है कि इस हिसाब से अगर ये कॉइन काम करेगा तो डेफिनेटली ये मार्केट में अच्छा ग्रोथ कर सकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कॉइन मार्केट लवर हैं और वाकई में आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते और आप होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो ये गोल्ड कॉइन आपको करोड़पति ज़रूर बनाएगा, क्योंकि इतनी अधिक मात्रा में ये कॉइन आपको $1 में मिल जाएगा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। तो इतने अच्छे होल्डिंग में अगर आप रखते हैं तो आगे अगर ये जो कॉइन मार्केट कैप के थ्रू अगर मान लिया जाए, ये जो है अपना रेड पांडा अगर होल्ड करता है या बर्न करता है कॉइन, तो आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है। तो दोस्तों, ये कहना चाहूँगा कि किसी भी कॉइन में प्रॉफिट तभी आता है जब आप स्टार्टिंग से उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं दोस्तों, शिवाय इनू में जिसने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करा होगा वो आज अच्छे खासे प्रॉफिट में, नहीं करोड़ों की प्रॉफिट में चल रहा होगा। सेम चीज़ इन कॉइन्स में भी अप्लाई होती है। ये कॉइन जेन्युइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम हमेशा ही आपके सामने ऐसे कॉइन पेश करते हैं जेन्युइन होते हैं, जिनका रिजल्ट्स आगे अच्छा होने वाला होता है। तो टेंशन ना ले, श्योर डेफिनेट सी बात है इसका प्रॉफिट हाई लेवल पर ऊपर जाएगा और अच्छा रिस्पॉन्स आपको देगा रेड पांडा। बहुत से सारे अभी कॉइन्स मार्केट कैप में अभी इसको प्रमोट करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो क्योंकि थीम इसकी ऐसी है कि ये इंटरनेशनल लेवल पे एनिमल के चैरिटी पर काम कर रहा है। तो जितने भी एनवायरमेंटल लवर होते हैं वो इस कॉइन को लाइक कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा प्रमोशन इसको मिल रहा है। अगर इसी हिसाब से प्रमोशन इसको मिलता रहा, न्यूजवीट भी सपोर्ट करा, सभी सपोर्ट कर रहे हैं, और कॉइन मर्ज भी इसको सपोर्ट कर रहा, आप खुद देख लीजिए कितनी चीज़ें इसको सपोर्ट में इसको आगे आ रही हैं। अगर इस हिसाब से अगर इसको सपोर्ट मिलता रहा तो डेफिनेटली ये कॉइन बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, और जितना जल्दी ये कॉइन ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा रेड पांडा आपको प्रॉफिट देने वाला है दोस्तों, याद रखिएगा। तो देरी ना करते हुए 2025 तक आप इसको होल्ड करके रखिए। डेफिनेट सी बात है, अगर आपने 1 बिलियन अगर कॉइन खरीद के रखे हैं तो वो आपको 1 मिलियन तक तो प्रॉफिट दे के जाएगा। आज का 100 रुपया कल का आपका $1,00,000 बन सकता है, $10,00,000 बन सकता है, डिपेंड करता है आपके ट्रस्ट पर और आपके पेशेंस पर। जितना ज़्यादा पेशेंस आप, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी मार्केट है दोस्तों, इसमें अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन काफ़ी तेज़ी से देखने को मिलता है। इस कंडीशन में कोई भी जो पैसा इस पर इन्वेस्टमेंट करता है इतना नहीं,
पेशेंस नहीं रख पाता, जिसके वजह से उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसी आती है कि वो अपना पैसा खो देता है। एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है हॉटबिट है, बिलबैक्सी है, एले टोकन है, कॉइनबिट है, इंडो एक्स है, इतने सारे एक्सचेंजेस पर दोस्तों ये कॉइन अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा ये हो चुका है, लिस्टेड हो चुका है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट कीजिए इसमें, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। ये स्क्रीन पर हम आपको कुछ दिखा रहे हैं जो इनके कम्युनिटी वॉलंटियर हैं, सीईओ हैं या इन कोफाउंडर हैं, ये सारे इन्हीं इसी कॉइन के हैं, तो डेफिनेट सी बात है ये सारी चीज़ें जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। दोस्तों आप ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट को खोल के भी देख सकते हैं, इसके वेबसाइट को खोल के भी। बाकी इसका लिंक वेबसाइट का मैं अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप दोस्तों जानेंगे कि आप इसको कैसे खरीद सकते हैं। दोस्तों एक्चुअली इसको ख़रीदने के लिए आपको ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये USDT बेस्ड नहीं है, ये ट्रॉन TRX बेस्ड है। जितने TRX आपके पास अवेलेबल होंगे उसी के हिसाब से आप इसको बाई कर सकते हैं। तो हम देखना चाहेंगे दोस्तों कि एक TRX इज इक्वल टू लगभग 8 रुपये आज इंडियन करेंसी में है, 8 रुपये से आप इसमें एक TRX से कितना कॉइन आप बाई कर सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों जैसे देखिए मैंने एक ट्रॉन इसमें वैल्यू डाली है, एक ट्रॉन मतलब $0.10 है, तो इसमें हम 37 करोड़ से भी ज़्यादा के टोकन खरीदने वाले हैं। दोस्तों सोच लीजिए 8 रुपये में आपको 37 करोड़ टोकन मिलने वाला है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, यानी कि $1 में अगर हम खरीदेंगे तो लगभग 3 बिलियन से भी ऊपर का ये टोकन आपको देने वाला है। दोस्तों सोचने की बात है, सोचिए थोड़ा, इतना ज़्यादा कॉइन आपको देगा। तो दोस्तों ये आपको जरूर करोड़पति बनाएगा, अगर आप होल्ड करके रखते हैं 2025 तक, तो ये डेफिनेटली आपको अच्छा प्रॉफिट ज़रूर देगा दोस्तों। और आशा करूँगा कि वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन सारी आपको सही और सटीक लगी होंगी, सारे जेन्युइन देना ही हमारा मोटिव भी होता है कि आपको हर इन्फॉर्मेशन जेन्युइन मिले। इसलिए अगर आपको वीडियोज़ में कोई भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दिए, ताकि हम उसे सही कर सकें और उसको इम्प्रूवमेंट कर सकें, इम्प्रूवमेंट में काम कर सकें, क्योंकि दोस्तों आपका एक कमेंट हमारे YouTube चैनल को बरकरार रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए अपना योगदान कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर करें। अगर सारी इन्फॉर्मेशन्स आपको सही लगती हैं और सटीक लगती हैं तो शेयर ज़रूर करें, और इस तरह से आपका सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।